डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 132वें जन्मदिवस के अवसर पर फिरोजाबाद शहर में अम्बेडकर जयंती के मौके पर रसूलपुर स्थित अम्बेडकर पार्क में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर नगर के नगर विधायक मनीष ससीजा के साथ साथ नगर के तमाम समाज सेवी विचार गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे और बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर जोरदार तरीके से माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वक्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। भाजपा के नगर विधायक मनीष ससीजा, सपा के शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा सहित सभी राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता अमलेश राजपूत की खास रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आज विचार गोष्ठी की गई अंबेडकर जयंती को लेकर, किस तरह की विचार गोष्ठी की गई है? कुछ भारत रत्न संविधान शिल्पी बाबा साहेब जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर सदैव की भांति परंपरागत रूप से फिरोजाबाद में अंबेडकर पार्क में बहुत ही धूमधाम के साथ कुछ बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इससे पहले कुछ बस की माल्यार्पण किया गया। सभी तरह के राजनीतिक छात्र के, सभी वर्गों के, महिला, युवा, वृद्ध, बच्चे सबने बड़े विलासपूर्वक कुछ बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के सिद्धांतों को याद किया, हम पटने का संकल्प लिया, बूंदी का पत्थर हुआ। हम सब बहुत खुश हैं और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपद के समस्त नागरिकों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों को परम पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर जय भीम, जय भारत।